ठीक है, ठीक है ना, आ गई समझ? ठीक है, तो ठीक है, आपका जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स है वो खत्म हो गए। फिर आप देखो, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था अगर सरकार कुछ करे तो आप उसको बोलोगे ये फिस्कल पॉलिसी है ना, और अगर आरबीआई कुछ करे तो आप बोलोगे उसको मॉनिटरी पॉलिसी। अभी जो हम चीज़ें पढ़ रहे थे वो ये वाली चीज़ें थी, ठीक है। मॉनिटरी पॉलिसी में, मॉनिटरी पॉलिसी में आरबीआई बहुत सारी चीज़ें कर रही थी कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करे, फिर उसके बाद जीडीपी में भी कुछ ग्रोथ आए, कुछ जॉब्स वगैरह भी मिल जाएं, कुछ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, तो वो बहुत सारी चीज़ें देखती थी कि हाँ हम कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कुछ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाए, कुछ रोज़गार भी मिले लोगों को, कुछ जॉब्स भी क्रिएट हो। ये सारी आपस में लिंक्ड है, जॉब्स क्रिएट होंगी तो अपने आप जीडीपी ग्रोथ होगी, है ना, सही बात है। कोई इंडस्ट्री बनेगी, लोग वहाँ जाएंगे, काम करेंगे, उनको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, लोग कुछ खरीदेंगे, अगर कोई कुछ खरीदेगा तो बनाने वाला भी कोई कुछ नई चीज़ बनाएगा, है ना, तो प्रोडक्शन और इंक्रीज होगी। बात समझ आ रही है? मैं तेज तो नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना। पर आप देखो, ऐसा आरबीआई ऊपर से कुछ भी करे, ये रेपो रेट घटाता बढ़ाता रहे, बहुत सारी चीज़ें करे, लेकिन अगर आप देखो कि नीचे जो लोग हैं, जैसे ये मानो बैंक है, मानो कि ये बैंक में लोगों का खाता ही नहीं है, है ना, नो अकाउंट, बात समझ आ रही है। अगर बैंक में लोगों का खाता ही नहीं है तो लोग पैसा यहाँ पे डिपॉजिट ही नहीं कराएंगे, और किसी मार्केट में इन्फ्लेशन होने का मतलब सिर्फ मनी सप्लाई इंक्रीज होना है, उसका ये मतलब थोड़ी है कि उसका पैसा बैंक में पड़ा है या वो किसी और से उधारी में लाया है, वो तो बस उसके पास हाथ में पैसा है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग इंडिया में, जैसे मानो फार्मर, जो बाकी पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो मानो किसी और मनी लेंडर से जाके पैसा लेकर आ रही है ना, सही बात है, वो किसी मनी लेंडर से पैसा लेकर आ रही है। तो अगर वो वाला पैसा इकॉनमी में आ रहा है जो कि बैंकिंग सिस्टम में ही नहीं है, तो उस पर आरबीआई फिर क्या कंट्रोल कर लेगा, है ना, बात समझ आ रही है। जो आपका पूरा डीमोनेटाइजेशन का स्कीम है ना, या फिर आपकी जो सारी स्कीम है, जनधन अकाउंट योजना, आप ये अकाउंट खुलवाओ बैंक में, इसका क्या मतलब है कि आपका पैसा जो है वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर आए, है ना, तभी आपकी जो आरबीआई ऊपर से पॉलिसी बना रही है उसका कोई फ़ायदा है। अगर वो पैसा बैंकिंग सिस्टम के अंदर नहीं आएगा तो ये हमेशा इन्फ्लेशन करता रहेगा मार्केट में, है ना, ये बात आपको समझ आती है? क्या कह रहा हूँ, आपको समझ आई बात, क्या कहा मैंने? आपको ऐसे बुरा तो नहीं लगता है कि ये तो सर स्कूल की तरह पढ़ा रहे हैं, मेरे से पूछ लिया? अगर मैं नहीं पूछूंगा तो फिर आपको जो मैं एमसीक्यू करवाऊंगा वो आपको नहीं आएगा समझ, आप समझ रहे हो? मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको उसी टाइम समझ आए जो पढ़ाया जा रहा है, आप घर जाओगे तो भूल जाओगे। आप घर जाके क्यों भूलोगे मैं बताता हूँ, क्योंकि ये ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा है, ये तो पढ़ते पढ़ते ओवर द ईयर्स आता है ना। आप ऐसे घर पे जाओगे कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये पैसा तो है, वो आपको 10-15 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, फिर कोई किसी एक से आपको समझ आएगा। तो आप बताओ, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये पैसा सिस्टम से बाहर है तो इससे क्या हो रहा है? हाँ, कैसे? पर तो फिर उससे क्या हुआ, कैसे? अच्छा, हाँ ठीक है, छोड़ो, आप समझो ये मॉनिटरी पॉलिसी आपको समझ आ गई। तो उसके कुछ शॉर्टफॉल हैं, एक तो ये शॉर्टफॉल है, दूसरा क्या है, आप सोचो, गवर्नमेंट ऊपर से जो है सरकार को, आरबीआई को प्रेशर करती रहती है क्या? आप जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो जगह जगह जाएंगे, भाई आप अपना रेपो रेट कम करो, आप अपना सीआरआर कम करो,
आप SLR कम करो, है ना, है ना, ठीक बात है। क्यों ऐसा क्यों बोलेंगे? मानो कि आपका GDP का कैलकुलेशन हुआ, किसी क्वार्टर में आपका GDP जो है, किसी क्वार्टर में आपका GDP बहुत कम आया, मानो 5%, है ना, तो सरकार की थूथू होगी कि आपका तो GDP बहुत गंदा है, ये वो, फिर सारे वो न्यूज़ आर्टिकल वाले कि इंडिया का GDP बहुत ख़राब है, ये वो, इससे अच्छा तो बांग्लादेश है, है ना, ऐसा आते हैं ना आर्टिकल। अब फिर फाइनेंस मिनिस्टर सोचेगा कि अब क्या करना चाहिए, तो फिर वो RBI के गवर्नर पे प्रेशर डालेगा कि भाई आप जो है यहाँ पे इस रेपो रेट वगैरह कम करो, ताकि लोगों के हाथ में पैसा जाए, कुछ ग्रोथ हमें दिखे, और फिर नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ ग्रोथ बढ़ी हुई आएगी तो लोग हमारे पे नहीं चढ़ेंगे। समझ आ रही है ना भारती? समझ आ रही है ना आपको? पक्का? हाँ तो ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जो मॉनेटरी पॉलिसी जो नॉर्मल पहले से बनती आ रही थी उसमें बहुत सारे शॉर्टफॉल थे। तो फिर अब क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि एक कमेटी जिसका नाम है उर्जित पटेल कमेटी, ठीक है। आप देखो RBI का स्ट्रक्चर क्या होता है। RBI का स्ट्रक्चर होता है, एक ऊपर रहता है उसमें गवर्नर, उसके नीचे चार रहते हैं डिप्टी गवर्नर, 1, 2, 3, 4 क्या है डिप्टी गवर्नर। फिर उसके नीचे नॉर्मल आपके जो बैंक के अदर एम्प्लॉई, आप RBI ग्रेड बी ऑफिसर वगैरह वो जो सब रहते हैं, है ना, ठीक है। जिस टाइम पे आपके रघुराम राजन, आपने नाम सुना है ना, है ना, नहीं, हाँ गवर्नर है ना, जिस टाइम पे आपके रघुराम राजन गवर्नर थे उस टाइम पे ये उर्जित पटेल कमेटी का गठन हुआ। इसमें क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया कि आप एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाओ, MPC, क्योंकि अभी तक ये जो हो रहा था इससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बन रही थी, ये सिंगल पर्सन गवर्नर और वो वही बना रहा था, है ना, लेकिन किसी की सर्वसहमति से बनाई जाए। वो क्या है, उर्जित पटेल ने बोला कि आप एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाओ। ये उर्जित पटेल कौन है? ये तब डिप्टी गवर्नर था, आगे चल के यही गवर्नर बना और बाद में उसको हटा दिया गया, है ना, क्यों? क्योंकि RBI जो है आपका वो इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह नहीं है। RBI जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है, तो जब उसका मन चाहेगा वो गवर्नर को हटा देगी, जब मन चाहेगा नया अपॉइंट करेगी। बात समझ आ रही है ना? तो ये उर्जित पटेल ने बोला कि हम एक मॉनेटरी पॉलिसी का गठन करेंगे, उसमें होगा क्या, उसमें 3 मेंबर होंगे, 1, 2, 3, ये तीनों मेंबर जो होंगे वो RBI के होंगे और 3 मेंबर जो होंगे वो बाहर से नॉन आरबीआई या बोलो कि गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, 3 RBI के मेंबर और 3 नॉन RBI गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड अपॉइंटेड जो इस MPC में जाएंगे। जो ये 3 RBI के मेंबर हैं उसमें से एक तो रहेगा जो इस MPC का हेड रहेगा, मतलब चेयरमैन ऑफ द MPC कमेटी, वही आपका होगा गवर्नर ऑफ द RBI, ठीक है, ठीक है। एक आपका रहेगा डिप्टी चेयरमैन जो कि आपका होगा डिप्टी गवर्नर, जैसे जो यहाँ पे उर्जित पटेल था, है ना, और एक और तीसरा मेंबर होगा वो नॉर्मल, वही जो मैंने आपको बोला लोअर लेवल का, इनसे डिप्टी गवर्नर के नीचे जो आपके ऑफिसर हैं ग्रेड बी ऑफिसर से जो ऊपर प्रमोट होके गए हैं, एक मेंबर वहाँ से आएगा, है ना। तो ये 3 मेंबर रहेंगे जो बैंक की तरफ से होंगे और यहाँ से सरकार कोई भी 3 मेंबर नॉमिनेट करेगी, तो ये जो MPC है आपकी 6 मेंबर बॉडी बनेगी, ठीक है। ठीक बात है, MPC आपकी 6 मेंबर बॉडी बनेगी। हाँ तो आप देखो बस इतना ही, इसी पे ही बहुत, 2-3 सवाल तो पिछले साल UPSC में इधर से ही आ गए थे, ये MPC में बताओ कितने मेंबर होते हैं और फिर वो कहाँ से नॉमिनेट होते हैं, बस ये आप देखो, एक अभी देखेंगे हम, उसमें लिखा हुआ है कि MPC में 5 इज़ अ 5 मेंबर बॉडी, है ना, ठीक है। तो
वो गलत, कितनी है 6 मेंबर बॉडी है ना, उसमें 3 आरबीआई के 3 नॉमिनेटेड, ठीक है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या बोला, एमपीसी का क्या काम रहेगा, एमपीसी का सिर्फ एक ही काम है, क्या काम है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, बाकी चीज़ें आप भूल जाओ, बाकी वो जीडीपी इंक्रीज होना चाहिए डिक्रीज वो सारी चीज़ें आप भूल जाओ, आपका सिर्फ एक काम है आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, कितना, आपको एक बैंड के अंदर रखना है, 2-6% के बैंड के अंदर, इसको बोला गया बैंड सिस्टम। ये कहाँ से लाया गया, लाया गया जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले आपने वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया है ना, है ना, इसलिए आप बोलते हो इंडिया वो तो कॉपी मारा है सारा, अपना तो कुछ नहीं है, है ना। वैसे ये बैंड सिस्टम तो इससे पहले बहुत सारी कंट्री में, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बहुत सारी कंट्री में चल रहा था, तो स्टडी की गई कि हाँ वहाँ पे ये सिस्टम जो है कारगर है, तो हमें भी अपनी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, है ना। जैसे आपका जीएसटी है ना, तो बाकी कंट्रीज में चलता है ना वो, है ना, तो वैसे ही बोला गया कि ये बैंड सिस्टम कि 2-6% के बीच में आपका जो है इन्फ्लेशन इसको रोकना चाहिए, है ना, बात समझ आई। तो बस ये काम है आरबीआई का, काम बस ये है कि आपको 2-6% के बैंड के बीच में इसको रोकना है। अब ये एमपीसी करेगी क्या, एमपीसी बाई मंथली पॉलिसी निकालती है, बाई मंथली मतलब हर 2 महीने के बाद, ठीक है, हर 2 महीने के बाद, तो साल में कितनी बार आती होगी, 6 बार आती है, 6 बार साल में आती है, और फिर ये हर 2-2 महीने के बाद आपको बताती है कि हमने क्या चेंज करना है और क्या चेंज नहीं करना है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि एमपीसी जब भी हर 2-2 साल के बाद आती है, मतलब 2-2 महीने के बाद आती है, तो ये सिर्फ एक रेट बोलती है और उससे सारे रेट लिंक्ड हैं, है ना, ये भी बताया आपको, कौन सा रेट है ना, रेपो रेट है ना, सिर्फ इसमें चेंज किया जाएगा, बाकी चीज़ें सारी लिंक्ड हैं, है ना, ठीक है। पर आप देखो, अब ऐसा बोला उर्जित पटेल ने, ठीक है, तो उर्जित पटेल ने ऐसा रिकमेंडेशन दी, तो ठीक है आरबीआई ने ये रिकमेंडेशन मान ली कि हाँ ठीक है हम ऐसा करेंगे, ठीक है, और अभी ऐसा ही होता है, तो रिकमेंडेशन ऑफ द अर्जित पटेल कमेटी एक्सेप्टेड। और इसने क्या रिकमेंडेशन दी, एक तो इसने ये रिकमेंडेशन दी, दूसरी इसने रिकमेंडेशन आपको दी, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं WPI, एक चीज़ होती है जिसको आप बोलते हैं CPI, ठीक है। अभी ये चीज़ क्या है, यहाँ आप देख रहे थे इन्फ्लेशन, तब से फर्स्ट क्लास से, आप मानो मैं आपको पूछूं कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, या आप बोलोगे कि ये इतनी इतनी फीट है, या आप बोलोगे इतना सेंटीमीटर, या आप बोलोगे इतना मीटर, है ना, ठीक है, मतलब इसको मेजर करने का तरीका है ना, ठीक है ना। वैसे महंगाई तो उसको मेजर करना है कि कितनी महंगाई, तो उसको मेजर करने के 2 तरीके, एक WPI, एक CPI, क्या कैसे है थोड़ी देर बाद जब इन्फ्लेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तब। बस आप समझो कि अभी यहाँ मॉनिटरी पॉलिसी में क्या चेंज आया, चेंज ये आया कि इस कमिटी के पहले तक हम जो इन्फ्लेशन नाप रहे थे वो इस जगह नाप रहे थे, ठीक है, WPI, जिसका नाम है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अभी तक जो हम चीज़ें नाप रहे थे वो हम नाप रहे थे इस WPI में, तो उर्जित पटेल ने बोला कि नहीं ये WPI वाला नहीं चलेगा, आप अब से हम जो नापेंगे वो ये CPI वाले में नापेंगे, ठीक है, ठीक है। इतना आप अपने यहाँ नीचे लिख लो कि इस रिकमेंडेशन में ऐसा बोला गया है, अपनी कॉपी में लिख लो कि उर्जित पटेल रिकमेंडेड कि ये WPI वाला नहीं, ये CPI, विल मेजर द इन्फ्लेशन इन CPI इंडेक्स, ठीक है। अभी क्या ऐसा क्यों ऐसा थोड़ी देर में बताएंगे।
अभी तक आपको समझ आ रहा है? मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी समझ आई? आप देखो, ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी अगर ये भी अपना काम ना करे तो क्या ये किसी को अकाउंटेबल है? मानो कि आरबीआई ने तो इसकी रिकमेंडेशन मान ली और इसने बोला कि ठीक है 2-6% के बीच में रखेंगे, फिर इसने अगर अपना काम सही से नहीं किया तो क्या अकाउंटेबल है? तो मतलब हाँ, अकाउंटेबल है ना? किसको? पार्लियामेंट को। क्यों? क्योंकि ऐसा आरबीआई एक्ट में लिखा है। ठीक है, ऐसा आरबीआई एक्ट में लिखा है कि गवर्नमेंट जो है वो ऊपर से आरबीआई को निर्देश डायरेक्शंस दे सकती है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, आपने अपना काम ढंग से नहीं किया तो हम आप पे कुछ पेनल्टी लगा सकते हैं। आरबीआई का गवर्नर, उसको चेंज किया जा सकता है ना? जैसे आपने देखा रघुराम राजन, उन्होंने भी समय से पहले रिज़ाइन किया, उर्जित पटेल ने भी समय से पहले रिज़ाइन किया, और अभी आपके जो गवर्नर हैं वो एक आईएएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास, है ना? ठीक है, तो ये हाँ पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है। मानो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, ये बैंड को ब्रीच करके 7% पे पहुंच गया, 8% पे पहुंच गया, है ना? तो ऐसा थोड़ी है कि ये कमेटी वाले बोलेंगे हमने तो बहुत अच्छे से काम किया पर अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, है ना? है ना? इनको फिर पार्लियामेंट में कुछ बोलना पड़ेगा, या फिर आपकी जो स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, है ना, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, उनके सामने आपको रिपोर्ट रखनी पड़ेगी कि हाँ हमने ये सब ट्राई किया था पर हमसे नहीं हुआ। ठीक है, तो आप बोलोगे कि हाँ ये जो एमपीसी है ये भी अकाउंटेबल है, एमपीसी अकाउंटेबल। लेकिन इन्होंने सरकार को बोला कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल तो करेंगे लेकिन इसमें हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप फालतू की जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स हैं, ये पॉपुलिस्ट स्कीम्स जो हैं इनको आप बंद करो धीरे धीरे, है ना? ठीक है, आप उधर जाके बोलाओगे कि ये लोन वेवर और ये सारी चीज़ें आप वो करोगे तो हम इधर से कितना भी कोशिश कर लें इस बैंड में हम उसको कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी स्कीम है मनरेगा, ठीक है, आप उनको 200-200 रुपए दे रहे हो, बोलोगे इतने काम, आप इतने दिन का अनस्किल्ड काम है ना वो, तो है ना, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आपसे कोई काम करवा लेंगे और आपको पैसा दे देंगे, है ना? तो एक टाइप से तो आपको ठीक लगेगा पर दूसरी टाइप से आप देखो कि उससे मनी सप्लाई इंक्रीज होता है ना, साथ में उतना हमारे पास सप्लाई नहीं है, यहाँ पे पैसा तो लोगों के हाथ में आ रहा है लेकिन सप्लाई तो इंक्रीज नहीं हो रही है ना। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी कि आप ये पॉपुलिस्ट स्कीम्स जो हैं वो बंद करो, दूसरा आप अपना ये करप्शन जो है आपके इसमें, ये करप्शन जो है, लीकेजेस जो हैं, लीकेजेस को बंद करो। सब्सिडी में भी बहुत सारी लीकेज हो रही है, ठीक है, लोगों को सब्सिडी मिल नहीं रही है ना, उस सब्सिडी की लीकेज को बंद करके आपका जो जैम ट्रिनिटी है ये वाली स्कीम सरकार लेकर आई है ना। ठीक है, ठीक है, जैम ट्रिनिटी क्या होता है? जनधन आधार मोबाइल, है ना, कि जनधन से आपका अकाउंट खोला, आधार से लिंक किया और मोबाइल भी उसमें लिंक करके रखा है तो सब पता चल जाता है, ट्रैकिंग होती है ना, कि आपको पैसा आया नहीं आया, आपके आधार से लिंक्ड है, जनधन खाते में आपके पैसा आएगा, सरकार को ट्रैक कर पाएगी कि हाँ इस आधार नंबर वाले बंदे का ये जनधन अकाउंट नंबर है और इसका ये मोबाइल नंबर है ना। बात समझ आ रही है? ठीक है ना, फिर उन्होंने बोला कि अगर कोई क्लाइमेटिक कंडीशन अगर कुछ ऐसी आ जाए तो उसमें भी आप हमें अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते कि हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं की। फॉर एग्जांपल मानो कोई ऐसा साल जिसमें एल नीनो आ गया, है ना, ठीक है ना, ये एल नीनो आपको पता है ना क्या होता है? हाँ पता है क्या? नहीं, मतलब उसे होता क्या है वो बताओ। ठीक है, ये तो हाँ ड्रॉट होता है ना, एल नीनो का अगर कोई साल है तो मतलब उसमें बारिश कम होगी, मतलब बारिश कम हुई यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हुआ तो अपने आप ही वहाँ पे जो आपकी सप्लाई साइड है वो नीचे चली जाएगी, है ना, ठीक बात है। तो सप्लाई साइड अगर नीचे चलेगी किसी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से तो उसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे, है ना, उसमें फिर आप बाहर से कुछ लेकर आओ और फिर यहाँ पे सप्लाई को खुद ही बढ़ाओ, है ना, इसके लिए आप हमें अकाउंटेबल नहीं मानोगे। बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ें आप देखो जो आपको अभी बताई।
इतना आपका मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है। एक फिर से एक बार ही धीरे धीरे बोलो क्या। हाँ तो हाँ उसी के लिए कि ऐसा ना हो उसी के लिए तो स्कीम लाई गई ना जनधन अकाउंट। जनधन अकाउंट में बोला कि आपके बैंक में पैसा नहीं भी होगा तो भी हम आपको आप अकाउंट खोल सकते हो, है ना, यही तो स्कीम है ना। एक स्कीम लाई गई जनधन अकाउंट, फिर स्कीम लाई गई पीएम किसान कि आप क्या आप अपना बैंक अकाउंट खोलो, है ना। जनधन स्कीम हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, जब आएगी टाइम से पढ़ेंगे ना। जनधन अकाउंट में क्या था कि आप अपना बैंक में खाता खुलवा सकते हो, बात समझ आ रही है। बड़े बड़े जो बैंक है, मानो SBI है, ICICI है ना, इसमें एक चीज़ रहती है कि आपके पास मिनिमम 3,000 रुपये होना चाहिए, नहीं तो आपको पेनल्टी पड़ेगी, है ना, है ना। फिर उस पर आपका पूरे साल का SMS चार्जेस, फिर वो आप कुछ नया कोई भी नई चीज़ कोई सर्विस लोगे तो उसके लिए और चार्जेस, है ना, है ना। अब कोई गरीब आदमी होगा उसके बैंक में ही 3,000 रुपये होगा तो उसको तो ज़रूरत के टाइम पर निकालना पड़ेगा ना। तो ये बड़े जो बैंक हैं वो तो नॉर्मल बैंकिंग में किसी का अकाउंट नहीं खोलेंगे, है ना, ना लोग वहाँ खुलवाएंगे, ठीक बात है। इसी के लिए ये जनधन अकाउंट वाली स्कीम लाई गई कि आप ज़ीरो बैलेंस वाला जो है खाता खुलवा सकते हो, उस पर भी आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी जो कि अभी 10,000 रुपये हो गई है। ये थोड़ी देर के बाद हमने सब पढ़ना है, थोड़ा संयम बनाए रखें, है ना, ठीक है। ज़ीरो बैलेंस और ये ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि आपके खाते में कुछ भी पैसे नहीं है, बिना कोलेटरल के भी हम आपको 10,000 रुपये दे देंगे, इसका मतलब होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, है ना, कि आपके पास कोई पैसा नहीं है हम आपको फिर भी 10,000 रुपये दे देंगे, ठीक है, इसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो अगर ये चीज़ की गई, फिर उसके बाद पीएम किसान में बोला गया कि आपको 6,000 रुपये हम देंगे मंथली इंस्टॉलमेंट, है ना, ठीक है। तो ये वाली सारी जब चीज़ें की जाएंगी करी जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो आपका मनी लेंडर वाला आपका जो सर्कल है वो धीरे धीरे करके कम होगा। क्या चीज़, हाँ इन केस ऑफ इलेक्शन, क्या क्वेश्चन क्या पूरा, गवर्नमेंट मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज करेगी, क्या वो लोन वेवर हो जाएंगे। हाँ पर आप देखो कि आप एक बात समझो, अभी मानो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, आपको क्वार्टर पता है ना, वो वाला नहीं, वो एक इंस्टाग्राम पे मीम तो नहीं आता है, वो बोलता है एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, आपने देखा है, आपने देखा है वो वाला मीम, वो वाला नहीं। एक साल में 4 क्वार्टर है ना, ठीक है, मतलब इंटू 3। अभी मानो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्शन है ना, उस टाइम पे मानो कुछ वेवर किया गया या लोगों के बैंक में पैसे भी डाल दिए गए, वैसे तो अभी तक ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसमें बैंक में पैसे आ रहे हैं, है ना, सिर्फ ये वाली स्कीम है, इसमें भी 6,000 रुपये बैंक में आता है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई इससे इंक्रीज़ नहीं होता है। 6,000 रुपये किसी बैंक खाते में बैंक में आना कोई अचानक से बहुत बड़ी मनी सप्लाई इंक्रीज़ नहीं है, है ना, 6,000 रुपये तो कुछ भी नहीं होता है ना, उसमें भी एलिजिबिलिटी सबको तो नहीं मिल रहा है, एलिजिबल जो फार्मर है उन्हीं को मिलता है ना। मानो कि किसी क्वार्टर में इलेक्शन आने से पहले कोई लोन वेवर कर भी दिया गया या किसी को पैसे मिले भी, तो हाँ ऐसा हो सकता है कि उसका कुछ परसेंटेज जो है आपको किसी एक क्वार्टर में देखने को मिले, मानो 5% चल रहा था तो मानो हाँ ठीक है अगले क्वार्टर में आपको दिखा कि 5.5 हो गया, पर उसको हम ये थोड़ी बोलेंगे कि ये हाथ से निकल गया, ऐसा नहीं होता है। RBI ने ऐसा बोला है कि 2-6% की बैंड में अगर आपका ये सक्सेसिव 2 क्वार्टर में ब्रीच होता है, सक्सेसिव 2 क्वार्टर, 2 क्वार्टर मतलब 6 महीना, है ना, अगर सक्सेसिव 2 क्वार्टर में ये ब्रीच पे रहता है तो हम आपको बुलाएंगे पता करने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, बात समझ आ रही है।
ऐसा नहीं है कि ये 6 तो 6.01 हो गया तो आओ अब यहाँ पे गुलाम बन जाओ मेरे यहाँ पे, ऐसा नहीं है, है ना? ऐसा थोड़ी उनको हाथ खड़ा करके अब पार्लियामेंट में शेम शेम होगा, है ना? अरे ये तो मतलब आप कुछ ड्यूरेशन दोगे ना उनको, है ना? बात समझ आई? और कोई डाउट? तो आपको ये समझ आ गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? उसने बोला कि मेरे को गवर्नमेंट का साथ चाहिए, और फिर कैसे गवर्नमेंट को क्या क्या चीज़ें उनकी मदद करनी चाहिए, और क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह वो कैसे किसी मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या रेट्स चलने चाहिए उस टाइम कैसे डिपेंड करता है। समझ आ रही है? पक्का? कितना टाइम हो गया? आप एक बारी देखो अभी तक जो आपको पढ़ाया, आपको समझ आया? यहाँ तक आपको कोई डाउट है? आप देखो अभी पिछले क्वार्टर में इन्फ्लेशन जो है 1.16.15 के ऊपर चली गई है, सीपीआई इन्फ्लेशन, है ना? तो बहुत सारे कॉलम आ रहे थे कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो पर इससे कुछ नहीं होता है। हाँ ठीक है, एक क्वार्टर में बढ़ गई, क्यों? क्योंकि भाई अब वॉर चल रही है, फ्यूल के प्राइस बढ़ गए हैं सब, तो महंगाई बढ़ रही है, है ना? है ना? सही बात है। अगर एक्सटर्नल कंडीशन में अगर कहीं पे क्रूड ऑयल का दाम ही बढ़ जाए, है ना, तो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाएगा, उसमें से आपको पता है इंडिया 90% से ज़्यादा क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट करती है, तो क्रूड ऑयल का दाम जैसे ही बढ़ेगा बाकी चीज़ों का भी दाम बढ़ेगा, है ना? पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, पेट्रोल से फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसका असर आपको नॉर्मल गुड्स पे दिखेगा, है ना? तो उनका दाम बढ़ेगा, उस पर आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ अब आपने मॉनेटरी पॉलिसी में ये इन्फ्लेशन बढ़ गई, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि भाई कच्चे तेल की कीमत जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो अभी बढ़ी हुई है ना? ठीक है, तो वो टेम्पररी इन्फ्लेशन है थोड़ी देर का, है ना? तो यहाँ तक आपका एमपीसी ख़त्म हो गया, नॉर्मल आपको सारी रेशो समझ आ गए, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स ख़त्म हो गए। तो अभी आपका नेक्स्ट चीज़ बैंकिंग, अभी बैंक कैसे कैसे टाइप का होता है और क्या क्या करता है, चलो। हाँ नहीं होगा ना, वही तो बोला ना मैंने, कुछ काम का नहीं है, बस ऐसे ही आप थोड़ा सा समझ लो। बैंकिंग, तो बैंक की ज़रूरत क्यों है आपको मैंने बताया, क्योंकि कोई डिपॉजिट करेगा। अच्छा, आपने एक चीज़ उस टाइम एक चीज़ आप बोल रहे थे, वो क्रेडिट क्रिएशन, है ना? क्रेडिट क्रिएशन बोलो आप, या फिर आप बोलो मनी मल्टीप्लायर। क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, है ना? ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था कि आप ये मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट को कैसे बढ़ा सकते हो, है ना? ठीक है, ये मनी का मल्टीप्लाई इफेक्ट ये क्या चीज़ है? आप समझो ये आपका बैंक था, अब किसी ने यहाँ पे 100 रुपये डिपॉजिट कराया, मैंने भी यहाँ पे 100 रुपये डिपॉजिट करा, एक और किसी बंदे ने भी 100 रुपये डिपॉजिट करा है, है ना? इसमें से मैंने आपको बोला कि CRR SLR के नाम पे
मानो 50 रुपये अलग से निकाल दिए गए, ठीक है ठीक है, तो कितने पैसे बचे यहाँ पे? 250 रुपये बचा। 250 रुपया बैंक के पास बचा है, मानो उसमें से 200 रुपया किसी ने लोन ले लिया, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो अभी बैंक के पास कितना पैसा है? बैंक के पास सिर्फ 50 रुपये हैं, बात समझ आ रही है? लेकिन मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है? ये तो टेक्नोलॉजी का गेम है, ठीक है, ये आपको टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है। कैसे? इसने 100 रुपये डिपॉजिट करा, इसने 100 रुपये, इसने 100 रुपये, पर इन तीनों के बैंक के अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में तो आपको यही शो होगा कि हमारे खातों में 100-100 रुपया है, बात समझ आ रही है ना? बैंक के खाते में तो आपको शो होगा कि हाँ हमारे बैंक में 100-100 रुपये है, पर आपको नहीं पता कि बैंक ने उसमें से कितना रखा है, कितना उसको लोन में रोटेट किया है। इसीलिए अचानक जब NPA की समस्या होती है और बैंक जो है वो एकदम बंद होने की कगार पे आता है, उस टाइम लोगों को पता चलता है कि हमारा तो सारा पैसा डूब गया है ना, क्योंकि उनको जैसे किसी ने पैसा डिपॉजिट करा रखा है बहुत सारा, तो बहुत कम जनता होती है जो सारा पैसा एक साथ बाहर निकालती है ना। लोग सोचते हैं कि हाँ हमारा पैसा डिपॉजिट है, जितनी देर रहेगा उतना हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा, नॉर्मल रूटीन के लिए उसको जितना चाहिए उतना वो निकालती रहती है ना। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब आपको पता चलता है कि असल में तो आपके पास कोई भी पैसा नहीं है, बैंक के पास तो पैसा ही नहीं है, उसने तो सारा ही लोन में दे दिया था, है ना। तो जो आपको यहाँ दिख रहा था वो तो सिर्फ आपको बैंक में दिख रहा था, वो एक्चुअल में नहीं था, है ना। तो इसको बोलते हैं कि मनी का मल्टीप्लायर इफेक्ट। कैसे? जितने लोग यहाँ से और ज़्यादा पैसे इसमें डालेंगे, जितना पैसा एक्स्ट्रा बैंक के अंदर आएगा उतना बैंक और लोन में देगा, है ना, उतना आपका जो मनी है वो और मल्टीप्लाई होगा। इसका ये मतलब होता है, ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि जितना पैसा लोग बैंक में और डालेंगे उतना ही पैसा और मल्टीप्लाई होगा और लोगों के पास जाएगा। इसका ये मतलब होता है मनी का मल्टीप्लाई इफेक्ट। क्रेडिट का क्रिएशन, क्रेडिट कैसे क्रिएशन? आप जितना पैसा बैंकिंग में लाओगे उतना आपका मनी मल्टीप्लाई होगा। तो उसमें एक ऑप्शन दिया था मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट का, आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो उसमें एक ऑप्शन था इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, ठीक है, तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट था, है ना। उसके बहुत सारे ऑप्शन थे, अभी मेरे को पता नहीं कौन से साल में आया था, शायद 2020 में आया था या 2019 में आया था, अभी हम देखेंगे, ठीक है। उसमें लिखा था हाउ यू कैन इंक्रीज द मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट इन द इकॉनमी, ठीक है, तो बहुत सारे उसमें ऑप्शन दिए थे, और एक ऑप्शन लिखा था टू इंक्रीज द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, मतलब लोगों ने पैसा जो काला धन छुपा के रखा है वो तकिए वगैरह में, वो वहाँ से निकालो आप और बैंक में डालो, जितना पैसा बैंक में आएगा उतना वो पैसा और आगे जाएगा, उतना वो मनी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जितना पैसा बैंकिंग सिस्टम से बाहर रहेगा उतना पैसा कम मल्टीप्लाई हो पाएगा, उतना कम क्रेडिट का क्रिएशन होगा, ठीक है ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूँ कि CRR और SLR को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है, तो ये मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा या डिक्रीज? हाँ, अगर CRR SLR को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो ये मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, होगा ना। अगर बहुत ज़्यादा पैसा यही रिजर्व में रह जाएगा तो फिर भी तो यहाँ पैसा नहीं जाएगा ना, तो कितना भी यहाँ से आता जाए अगर यहाँ बैंक सारे ही रिजर्व में रखेगा फिर भी तो आगे मल्टीप्लाई नहीं हुआ, है ना। तो क्या इन्वर्स रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन हुआ ना मनी मल्टीप्लायर और CRR SLR का, ठीक है। तो कॉपी में साइड में लिख लो ऐसा कि मनी मल्टीप्लायर का CRR SLR 1/ मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। ठीक है, हो गया, मनी मल्टीप्लायर भी खत्म हो गया। अब आपका एक होमवर्क है, आप होमवर्क में अपना होमवर्क लिखो, आप अपना NCERT खोलना, उसमें एक बकवास सी चीज़ दी है जिसको बोलते हैं ये M0 M1 M2 M3 M4, ये आप जाके पढ़ के आना कल, ठीक है ठीक है। कल ही आप जाना, ये आप पढ़ना ज़रा, ये M0 M1 M2 M3 M4 क्या है, ठीक है। ऐसा लिखा होगा ये रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी, ठीक है,
ऐसे करके लिखा होगा कुछ, ठीक है। तो आप कल जाओ और पढ़ के आओ, अगर आपको समझ आ जाता है तो ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो फिर आप मुझे बताना, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप देखो ये M0, M1, M2, M3, M4 ये एक्चुअल में कोई काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है कि आप मेरे से भी अभी पूछोगे तो, क्योंकि इसमें बहुत रट्टा है कि ये वाला डिपॉजिट प्लस ये वाला डिपॉजिट, ये M3 होता है, फिर इसमें से ये माइनस करो तो ये M2 होता है, ठीक है, तो उसका कोई काम नहीं है। हाँ, बस ये है कि आपको, क्योंकि सिलेबस में है तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता आपके UPSC में नहीं आए तो क्या पता KS में ही आ जाए, KS में कहीं पर आए, नहीं तो आपका कोई JKSSB के एग्ज़ाम में आ जाए, फिर आप बोलो सर ने तो हाई लेवल चीज़ें पढ़ाई, हमें तो M3 नहीं बताया सर ने, है ना, ठीक है, ठीक है। तो आप जाओ अपने बुक में आपके लिखा है ये सब, आप एक बार ही देखो, नहीं समझ आएगा तो मुझे बताना। अब आप आओ अगला टॉपिक जो आपका है बैंक। बैंक आप देखो, बैंक का एवोल्यूशन, बैंक के एवोल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पे आपका बंगाल प्रेसिडेंसी, यहाँ पे आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहाँ पे आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो सबसे पहला बैंक यहाँ खुला, फिर यहाँ कोई काम का जानने की कोई चीज़ नहीं है, फालतू। फिर इन तीनों को मर्ज कर दिया गया, मर्जर, और एक बैंक बना जिसका नाम था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है। आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे तीन बैंक थे, सबसे पहला बैंक खुला बंगाल, दूसरा बैंक खुला बॉम्बे, तीसरा बैंक खुला मद्रास। फिर थोड़े टाइम के बाद इन तीनों को मर्ज करके एक सिंगल बैंक बनाया गया जिसका नाम था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इस इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया गया, इस इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया 1955 में और ये बन गया SBI। बात समझ आ रही है? आप देखो ये नेशनलाइजेशन क्या होता है, अभी 10 मिनट के बाद पढ़ेंगे, ठीक है, अभी ये 10 मिनट के बाद हम पढ़ेंगे नेशनलाइजेशन क्या चीज़ है। आप बस समझो कि ये तीन बैंक थे, तीन बैंक को मिला के एक बैंक बना जिसका नाम था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसका पकड़ के किया नेशनलाइजेशन और आज के टाइम पे वो है SBI, ठीक है। क्या और भी कोई बैंक थे? हाँ थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक थे, ठीक है। कोई हमारे लिए काम का नहीं है, हमारे लिए किसी भी काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए और काम का क्या है? हमारे लिए काम का है कि हम देखेंगे कि हम देखेंगे कि बैंकिंग के एवोल्यूशन में एक टाइम था जब बहुत सारे बैंक थे, मानो ऐसे 1500 तक के कोई बैंक थे इंडिया में, ठीक है, कब? आज़ादी से पहले, ठीक है, आज़ादी से पहले बहुत सारे बैंक थे। और बैंक आप देखो तो बैंक उसी को पैसा देगा जो अमीर किसी इंसान को पैसा देगा, है ना, गरीब को तो कोई पैसा देता नहीं है, है ना, बैंक हमेशा किसी अमीर इंसान को पैसा देंगे, है ना, गरीबों को पैसा मिलेगा नहीं। फिर कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, उनको पैसा मिल जाएगा। और कहाँ पे ब्रांच खोलेंगे? सिटी में ब्रांच खोलेंगे, है ना, गांव में तो कोई ब्रांच भी नहीं खोलेगा, है ना, ठीक है। तो ऐसी, और ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने ही ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को, मतलब ब्रिटिश सब्जेक्ट मतलब यूरोपियंस, ऐसा बोलो, यूरोपियंस को जो है वो पैसा दे देते थे लोन में, और इंडियंस को कोई पैसा लोन में नहीं मिलता था, ठीक है, इधर इनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे उनको मिल रहा है। आप मानो बड़े बड़े JRD टाटा वगैरह, है ना, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको पैसा मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा, ठीक है। और फैक्ट्री भी अगर खुल रही है तो किसी सिटी के पास खुल रही है, सिटी में ही फैक्ट्री खोली, उसी के पास एक बैंक का ब्रांच खोला, उस बैंक के ब्रांच में अपना ही आदमी बिठा दिया और अपने ही लोगों को कि हमारे ही लोगों को आप पैसा दो और बस यहीं पे, और किसी को आप पैसा मत दो, है ना। तो काम कैसे करता है? आप देखो कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जब तक इसका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ है तब तक इसका मतलब ये प्राइवेट है ना। किसी चीज़ का नेशनलाइजेशन करना मतलब उसको राष्ट्रीयकरण करना, मतलब गवर्नमेंट ने उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, है ना, ठीक है। तो
तो अगर कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें क्या होता होगा, कुछ नीचे से शेयर होल्डर होते होंगे, है ना, है ना, कुछ नीचे से शेयर होल्डर होते होंगे, तो वो कुछ अपना ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनते होंगे, है ना, और फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना अपना CEO चुनता होगा, है ना, ठीक है। ठीक है, कंपनी कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स से ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई CEO, ठीक है। ये शेयर होल्डर क्या है भाई, कोई कंपनी खड़ी हुई और उसको पैसा लेना है तो उसने अपने शेयर्स मार्केट में निकाले और आप उसको खरीद लो और कंपनी का आप हिस्सा बन जाओ, है ना, ठीक है, ये मतलब शेयर है ना। तो कुछ शेयर होल्डर, उन्होंने नियुक्त किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का CEO, तो फिर वो CEO बोलेगा कि बस आप मेरे ही दोस्तों को लोन दो और मेरे ही दोस्तों को इस बैंक में जॉब भी दे दो, अगर हम पैसा वापस भी नहीं करेंगे तो भी हमें आप पैसा, खूब पैसा दो, अगर वो NPA वगैरह होता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप सिर्फ हमें ही पैसा दो, है ना, ठीक है। तो ये दिक्कत है किसी प्राइवेट बैंक की जो पहले थी, तो फिर हमें ज़रूरत पड़ी कि बैंक का नेशनलाइजेशन करना चाहिए, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट उसका कंट्रोल करे, तो कुछ गवर्नमेंट किसी भलाई के लिए काम करे, लोगों की भलाई के लिए काम करे, ठीक है। तो ऐसा पहला नेशनलाइजेशन किया गया 1955 में, ठीक है, बाद में इंदिरा गांधी की सरकार आएगी, फिर वो बाकी बैंकों का भी नेशनलाइजेशन करेगी, थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है आपको समझ आ गई। आप देखो बैंक, तो बैंक का आप क्लासिफिकेशन देखो, आप देखो दो टाइप के बैंक हो सकते हैं, एक बैंक हो सकता है जो है कमर्शियल बैंक और एक बैंक है जिसको आप बोल सकते हो कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक में हो सकता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक, फिर हो सकते हैं प्राइवेट बैंक, फिर हो सकते हैं फॉरेन बैंक, फिर हो सकते हैं रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में हो सकते हैं अर्बन कोऑपरेटिव, रूरल कोऑपरेटिव, फिर PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, आप लिख लो पहले इसको एकदम, ठीक है। बैंक दो टाइप के हो सकते हैं, एक कमर्शियल और एक कोऑपरेटिव। कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है, उसका नाम में ही कमर्शियल है, मतलब वो प्रॉफिट मेकिंग बैंक है ना, उसका काम है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। और कोऑपरेटिव मतलब, ये तो कोऑपरेटिव मतलब लोगों ने मिलकर बनाया हुआ कुछ, है ना, कोऑपरेशन, लोगों के मिलने से बनी हुई कोई चीज़, है ना, उसी को बोलोगे कोऑपरेशन, एक दूसरे का साथ देना, है ना। तो कोऑपरेटिव बैंक मतलब वो कुछ प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, पर हाँ अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो हो जाएगा, पर उसका मोटिव नहीं है कि प्रॉफिट कमाना है ना, ठीक है, उसका मोटिव है कि गरीबों का कुछ हमें भलाई करनी है, ठीक है, इसीलिए बनाया गया। कमर्शियल बैंक में शेड्यूल कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक, और कोऑपरेटिव बैंक में अर्बन कोऑपरेटिव, रूरल कोऑपरेटिव, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। ये आपके बैंक के अलग अलग टाइप हैं। अब इसमें क्या क्या होता है वो आप देखो, आप देखो बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, दिमाग में ये रखा गया कि अगर हमारे हाथ में कंट्रोल होगा तो ठीक है, हम गरीबों को भी लोन दिलवाएंगे। ये कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ सोसाइटी, कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ सोसाइटी या फिर सोशलिज्म, जो कि कहाँ पर आया, सोवियत यूनियन में, है ना, जो कि सोवियत यूनियन में आया, जिसमें बोला गया कि कलेक्टिव लोगों की ओनरशिप होनी चाहिए, है ना, कलेक्टिव ओनरशिप, ठीक बात है।
कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए। इन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की कि आप कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा जो है वो फैक्ट्री वालों को देंगे, कुछ पैसा जो है वो फार्मर को देंगे, कुछ पैसा जो है किसी नए बिजनेसमैन को देंगे। तो ऐसा कुछ परसेंटेज जो है पैसा आपको लोगों को देना चाहिए, ऐसा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि बैंकों को ये फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ही इंडिया ने एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जिसको आप बोलते हो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, PSL। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कितनी है इंडिया में? 40%, 40%। मतलब अगर आपको बैंक में 100 रुपये आ रहा है तो 40 रुपये आपको अलग से रखने हैं, उसका लोन आपको सिर्फ ये PSL वाली जो इसमें चीज़ें सरकार ने नोटिफाई की होंगी उन्हीं को देना है। ठीक है, अब PSL में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? आप देखो, एग्रीकल्चर तो आएगा ही, फिर उसके बाद एजुकेशन, फिर उसके बाद कुछ हेल्थ, ठीक है, कुछ और चीज़ें इसमें ऐड सरकार करती रहती है, उसको लगेगा कि इस चीज़ को पैसा मिलना चाहिए, इसको पैसा नहीं मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, MSME की कुछ इंडस्ट्रीज़ को भी सरकार ने प्रायोरिटी सेक्टर में डाला हुआ है। ठीक है, कि इनको लोन नहीं मिल पाता है तो इनको प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर डाल देते हैं ताकि इनको कुछ लोन मिले। ठीक है, ठीक बात है। तो इसको आप बोलोगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कितनी है? 40%। ठीक है, ठीक बात है। फिर आप आगे एक और चीज़ देखो, अब ये जो PSL के नॉर्म है, जो ये PSL के नॉर्म है, ये इंडियन बैंक और फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेस, नहीं मोर देन 20 ब्रांचेस इन इंडिया, और एक फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेस। ठीक है, ठीक है। अगर इंडियन बैंक है या फिर कोई फॉरेन बैंक है जिसकी 20 से ज़्यादा ब्रांच है, उसको तो 40% ही है, और फॉरेन बैंक जिसकी 20 से कम ब्रांच है उसको 32% है। ठीक है, हाँ है। तो अभी बता, जैसे मैंने आपको रीसेंट डेवलपमेंट बताई ना उधर, तो वैसे ही मैं आपको यहाँ बताऊँगा ना, पहले तो ऐसे ही बताना पड़ता है। तो 40% और 32% ऐसा चल रहा था। बाद में सरकार ने बोला कि आपको जो है 40% सबको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में पैसा देना है। आप समझो, अगर कोई कमर्शियल बैंक है, मानो कोई कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, मानो कि इस पे तो PSL फ्रेमवर्क अप्लाई होगा, क्या इस पे PSL फ्रेमवर्क अप्लाई होगा? क्यों? ठीक है, इस पे PSL फ्रेमवर्क अप्लाई नहीं होगा। फिर आप यहाँ पर आओ, आप देखो कि अगर आपका कोई बैंक है, वही नॉर्मल बैंक, और एक फॉरेन बैंक जिसकी ब्रांचेस कम है, अगर ये अपना PSL कोटा वाला लोन नहीं दे पाए, है ना, मानो इसको 40% PSL कोटा में लोन देना था पर ये लोन नहीं दे पाया, ठीक है, इसके पास पैसा बच गया, तो वो वाला पैसा कहाँ जाना चाहिए? वो वाला पैसा जो है वो जाता है एक फंड में जिसका नाम है RIDF। ठीक है, RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, लिखो RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, जिसको कौन कंट्रोल करता है? NABARD। ठीक है, जिसको कौन कंट्रोल करता है? NABARD। वैसे ये फॉरेन बैंक विद लेस देन 20% ब्रांचेस, तो इसका अगर पैसा बच गया है और अगर ये पैसा अपना ख़त्म नहीं कर पाया, तो इसका पैसा जो है वो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड, SIDF। ठीक है, जिसको कौन कंट्रोल करता है? SIDBI।
स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और फिर वहाँ से वो पैसा वापस से नाबार्ड जो है सरकार को दे देती है, सरकार को दे देती है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म लोन विद लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उससे सरकार जो है बाकी डेवलपमेंट के कुछ इनिशिएटिव चालू करती है। बात समझ आई है ना? जैसे आपको कोई क्रंच है, आपको कोई नदी नाले बनाने हैं, कोई कैनाल बनाना है, आपके पास फंड की कमी है ना, ठीक है, तो वो पैसा घूम के वापस से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में आया, जिसको नाबार्ड मॉनिटर करती है। तो नाबार्ड ने वहाँ बचा हुआ जो पैसा था 40% का, जो यूज़ नहीं हुआ, वो वापस से निकाल के सरकार को दे दिया लॉन्ग टर्म के लिए, 20-30 साल के लिए, है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रखा, ठीक है, 4-5%, 2-3%, ठीक है। और बोला आप ठीक है इसे डेवलपमेंट कोई काम करो, रोड बिल्डिंग बनाओ, और फिर 20-30 साल के बाद हमें वापस कर देना। वैसे ही यहाँ पे जो पैसा बचा वो गया स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड, जिसको कौन मॉनिटर कर रहा है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इससे कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है, छोटी जो इंडस्ट्री होती हैं उनके कामकाज के लिए, कोई एमएसएमई है, छोटा कोई काम करती है, ठीक है, मैच बॉक्स बनाती है, अगरबत्ती बनाती है, ठीक है, वैसी छोटी इंडस्ट्रीज है ना, ठीक है, बड़ी इंडस्ट्री नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसके काम के लिए ये पैसा यूज़ होगा। आप देखो आपको यहाँ तक सब समझ आया कि नहीं आया? आगे समझ, आप देखो आपको सब समझ आ गया कि नहीं आया? हाँ देखो, जैसे ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसमें मैंने बोल दिया कि एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, तो उसमें भी अंदर उसमें परसेंटेज अलग अलग है, ठीक है, कि एग्रीकल्चर को उस 40 में से जैसे 10% एग्रीकल्चर को जाना चाहिए, 5% हेल्थ को जाना चाहिए, 5% एजुकेशन को जाना चाहिए। उसमें भी आप देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फार्मर जिसके पास ज़मीन होती है, ठीक है, एक होता है लैंडलेस फार्मर, ठीक है। आपकी जो पीएम किसान निधि है और ये सारी स्कीमें हैं वो भी जो जिनके पास लैंड है उन्हीं को ही मिलती है ना, जो लैंडलेस फार्मर है उनको नहीं मिलती है। तो ये बात ठीक है कि यहाँ से जो पैसा है वो ज़्यादा चंक जो है वो तो लार्ज फार्मर ही लेके जाते हैं, पर फिर भी सरकार ट्राई करती है कि एग्रीकल्चर के बंदे को मिल जाए। तो अब इतना डीप में कि ये कोई लैंडलेस लेबर है उसको भी पैसा मिले, उसके लिए सरकार फिर नई नई स्कीम लाती है, हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ये बात सच है कि जो बड़ा फार्मर होगा वही यहाँ से पैसा लेके जाएगा, वो हर जगह होगा, वो अगर कोई इंडस्ट्री बनाने वाला है वो हो, इसीलिए सरकार जो है मेक इन इंडिया, ये मतलब स्टैंड अप इंडिया है ना, या फिर स्किल डेवलपमेंट, या फिर आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर मुद्रा लोन है ना, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, वो नई नई स्कीमें लाती है ताकि जो नॉर्मल बंदा है जिसके पास स्किल है पहले उसकी स्किल डेवलप की जाए, उसको मुद्रा के अंतर्गत और कोई एक्स्ट्रा लोन दिलवाया जाए, स्टैंड अप के अंतर्गत कोई वुमेन है या फिर कोई SC ST है वो कुछ अपना स्टार्ट करना चाहता है उसको पैसा दिया जाए, या पर्टिकुलर स्टेट जैसे हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बहुत सारी नई स्कीम आ रही हैं जो हम अभी देखेंगे, ठीक है। उसमें ये है कि अगर कोई औरत है उसको 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा, ठीक है, अगर वो कोई अपना स्टार्टअप खोलना चाहती है, ठीक है। कोई फार्मर है तो उसको किसान क्रेडिट कार्ड या सॉइल हेल्थ स्कीम, ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड में आपको बोल देंगे कि हाँ इतना पैसा आपको हम दे देंगे, तो किसान क्रेडिट कार्ड तो सबका बन जाता है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई अमीर है या कोई गरीब है, ठीक है।
फिर मुफ्त में आपकी सॉइल की टेस्टिंग हो जाएगी, आपको यहाँ पे कौन सी सॉइल, मतलब इस सॉइल पे कौन सी क्रॉप उगती है आपको वही उगानी चाहिए। ये जो डेट का ट्रैप है कि फार्मर जो है वो गरीब का गरीब है और अमीर फार्मर अमीर है, क्योंकि उसको पता नहीं है अपनी सॉइल पे क्या उगाना है, फिर वो चीज़ उगाता है जो फिर बाद में उगती नहीं है, फिर वो मार्केट में उसको बेचने निकलता है, उतना प्राइस नहीं मिलता, तब तक नए क्रॉपिंग सीज़न आ जाता है, ठीक है, फिर उसको उगाने के लिए उसको फिर से पैसा चाहिए, है ना। अगर उसे अच्छे से पता हो कि मेरी क्रॉप पे क्या चीज़ उगती है और किस चीज़ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, मेरे हाथ में भी ज़्यादा इनकम आएगी, उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, आपके सॉइल पे ये चीज़ें उगती है, आप ये चीज़ें उगाओ, है ना। पर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या चीज़ें हैं, और फार्म लॉ में ऐसा किया गया पर सब किसानों ने उसे सही से नहीं लिया, वो हम सारी चीज़ें देखेंगे अभी एक टाइम के बाद आने पर, ठीक है, जब वो आएंगी, ठीक है। आप देखो अभी आपको ये जो पढ़ा इसमें कोई आपको डाउट है, आप देखो एक बार, एक MCQ है, मैं वो देख रहा हूँ, मैं आपको देता हूँ। अच्छा ये तो मेंस का, इसके बाद आपकी कोई और क्लास होती है? मैं आपको ज्योग्राफी भी पढ़ा दूँ, 2 से 4 साथ में पढ़ लोगे? मतलब मुझे ही पढ़ानी है लेकिन बाद अगले महीने पढ़ानी है, अगर आप पढ़ लोगे तो मैं पढ़ा दूंगा 2 से 4। अच्छा आप लिखो एक सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। आप देखो, आप कोई भी पुराने साल का पेपर उठा के देखो
अगर आपको केएस का पेपर देना है तो आपको तब भी यूपीएससी के पेपर उठाने पड़ेंगे, अगर यूपीएससी देना है तो भी यूपीएससी के उठाने पड़ेंगे, है ना। तो आप पुराने यूपीएससी के पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है वहीं से। अभी ये चौथा सवाल है जो मनी सप्लाई से आ रहा है, ठीक है। हर एक साल छोड़ के मनी सप्लाई से सवाल आता है। तो आप देखो कि क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी, वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज, इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इन द इकॉनमी। पहला है परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक। दूसरा है डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन द कमर्शियल बैंक, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन द कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक। तीसरा है बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। और थर्ड है सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। देखो पहला है परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, सेकंड है डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन द कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक, थर्ड है बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, फोर्थ है सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। ऑप्शन है वन ओनली, सेकेंड ऑप्शन है टू एंड फोर, थर्ड ऑप्शन है वन एंड थ्री, और लास्ट ऑप्शन है टू थ्री फोर। आप हाँ ठीक है, आप देखो उसको अच्छे से और सब बच्चे बताओ आंसर क्या है। ठीक है वन एंड थ्री। ठीक है सबने कर लिया, क्या किया वन एंड थ्री, सबका सक्षम पक्का वन एंड थ्री है, सही बताओ। मैंने आंसर नहीं देखा अभी, मैं मेरे को तो भूल गया यार, वो पेज आगे चला गया, क्या है क्वेश्चन। कह सक्षम अरे बताओ क्या है, जितने क्वेश्चन मुझे मिलेंगे उस टॉपिक के जो हमने पढ़ लिया है हम कोशिश करेंगे कि वो क्लास में हो जाए, ठीक है उसी टाइम। तो इसीलिए मैं देख रहा हूँ अगर कुछ और अगर है तो मैं बता पाऊँ।
अरे बताओ बताओ क्या है? सी सी कौन सा है? क्या 1 and 3? ठीक है, सबको आ गया ना समझ? आपको आ गया पीछे समझ? पक्का? ठीक है, फिर आज के लिए बहुत है, कल पढ़ेंगे आगे। आपका होमवर्क है, आप ये पढ़ के आओ। ठीक है, क्या M0, M1, M2, M3, M4? अभी तक जितना पढ़ा है उसमें इससे ज़्यादा कोई अभी MCQ नहीं है। ठीक है, आगे जब पढ़ेंगे तो अगर कोई और MCQ आएगा तो हम देखेंगे।